मुंह पे मास्क और सर पे हेलमेट लटकाए हम निकल पड़े। करीब 3 महीने चार दीवारों के बीच रहने के बाद खुले आसमान के नीचे खाली रास्तों पे बाइक राइड, जैसे पिंजरे में बंद पंछी बहती हवाओं में आजाद सैर कर रहा हो, जैसे कोई बरसों से देखा ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा हो, जैसे दिल में दबे अल्फाजों को आवाज मिल गई हो। ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। वही गलियां थी, वही रास्ते थे, वही सफर, मगर हवाओं में एक नशा सा था। दिल में एक खुशी थी, होठों पे मुस्कान थी, जैसे किसी बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना वापस मिल गया हो। बहुत दिनों बाद हम तीनों साथ थे, मैं, वो और हमारी बाइक। हाँ, बाइक थोड़ी नाराज थी, कुछ हफ्ते हमने उसका हाल जो नहीं पूछा था, लेकिन किसी तरह हमने उसे मना लिया था। वो बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठे ये वीडियो बना रही थी। हम हमेशा की तरह ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बस उन पलों को, उस एहसास को महसूस कर रहे थे। बाइक भी हवाओं की लहरों को काट के आगे बढ़ते हुए कुछ धूल और मिट्टी अपने साथ समेटे मुस्कुरा ही रही होगी। दोपहर का वक्त था, ठंडे मौसम में सूरज गर्व से सीना ताने अपनी ऊर्जा बिखेर रहा था और आसमान में बादल अपनी ही धुन में हवाओं के बीच मशगूल थे। हम तो ऐसे ही निकल पड़े थे, ना कोई मंजिल तय की थी, ना वक्त की पाबंदी थी। ताजी हवा सांसों में भर कर हम दुनिया के इस नए पहलू को निहार रहे थे। ज्यादा कुछ तो बदला नहीं था, बस रास्तों पे भीड़ थोड़ी कम थी। कुछ दुकानें बंद नजर आ रही थी और बहुत से लोग मास्क पहने हुए थे। पेड़ पौधे, तालाब, हवाएं, बादल, पंछी, ये सारी कुदरत खुश नजर आ रही थी। कुछ हफ्ते ही सही, इंसानों की परेशानी से छुटकारा जो मिला था। हम कुछ दूर एक तालाब के पास रुके, हेलमेट्स उतार के बाइक की सीट पर रखे और बस पेड़ों के साए में कुछ मिनट बिताए। तालाब में बतख डुबकियां लगा रहे थे, पेड़ मस्ती में झूल रहे थे और बादल, वो तो रुकना जानते कहां थे। गाड़ियों की आवाज, पंछियों का चहकना, पत्तों की सरसराहट, इन सब आवाजों के बावजूद एक खामोशी सी थी। मन शांत था, खुश था। कुछ पल वहां ठहरने के बाद हम यूटर्न लेके वापस लौटे, हमारे साथ एक नई उमंग, एक नई ताजगी लिए। उस वक्त मंजिल की परवाह नहीं थी। वो कहते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।